तो स्कॉलर्स की जो कमेटी है सऊदी की सीनियर कमेटी, उसके जो बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, शेख बिन बाज, शेख बिन उसैमीन, उन सबके फतवे इस बारे में मौजूद है। वो लोग क्या कहते हैं कि बेचते टाइम पे एक भाव तय होना चाहिए कि आपने 14.5 में बेचे या 15 में बेचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बेचा 14.5 में और तुमने अगर 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो 15 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बेचते टाइम पर एक भाव तय होना चाहिए कि आपने कितने में बेचे, क्योंकि अल्लाह के हाँ मतलब बोल के ही दे देते या 15 में बेचे। हदीस सुन लो, हदीस इस बारे में ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बाआ बैअतैनी फिल बया, जो एक तिजारत के अंदर दो तिजारत करता है, फलहू औकसुहुमा अव रिबा, तो उन दोनों में कम वाली सस्ती वाली है उसके लिए, नहीं तो सूद है। यानी कि दो एक तिजारत के अंदर दो नहीं होना चाहिए। वो कब होगी? अगर आप एक तिजारत के अंदर दो भाव दे रहे हैं कि मैंने बेच रहा हूं, मैं 10 दिन में दिए तो 14.5 देना है, 20 दिन में दिए तो 15 देना है, तो ऐसे एक तिजारत के अंदर दो नहीं होना चाहिए। या तो 14.5 में बेचे या तो 15 में बेचे। 15 में बेचे फिर बोल नहीं सकते अभी तुमने 20 दिन तक पैसे नहीं दिए, अभी 16 लाओ, ये नहीं बोल सकते, वो सूद हो जाएगा। तो यहां कैसा है, बेचते टाइम पे एक भाव तय हो,